पापा भी ऑटो भी चला रहे हैं, वो भी उनका नहीं है सर, अभी वो किराए पे चला रहे हैं। कोरोना में भी हमारी हालत बहुत खराब रही, खाने के पैसे खत्म हो गए थे, एक महीने का कुछ बचा था राशन की हाँ हम निपटा सके, लेकिन पापा ने कभी मेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं छोड़ा सर। मेरे रिलेटिव से बोलते हैं मैं थोड़ा है ना सर कि मतलब बड़े भाई ने छोड़ दिया, मैं छोटा बेटा हूँ, मेरा बड़ा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं, लगता है कि लाइफ में मुझे करना है कुछ, मैं डॉक्टर बनके लिए। अब आप डॉक्टर बनके बहुत इमोशनल मोमेंट है, हम समझ सकते हैं। अभी एक एक बच्चे की जब हम कहानी सुन रहे थे तो मैं समझता हूँ कि सबकी आंखों में पानी आ रहा था, ये करिश्मा भी हो सकता है। इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों से 1141 बच्चों ने जेईई और नीट क्वालिफाई किया है। कोविड 19 का आया था, उस टाइम पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जैसे सबके घर में था वैसे मेरे घर में भी जो मेरे भाई कमाते थे उनका काम धंधा बंद हो गया था, तो उस टाइम हमने बहुत ही मुश्किल स्थिति में हमने अपना घर चलाया। उस टाइम श्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल के बच्चों को टैबलेट बांटे थे, जिस वजह से हमें हमने टैबलेट यूज करके ऑनलाइन स्टडी कर सके। मैं रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद की एक छात्रा हूँ और मैंने नीट में 598 रैंक पे पोजीशन पे हूँ और मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हमारे घर में है ही, लेकिन हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद श्री माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने हमें टैग दिए, तो इससे बहुत सहायता मिली, हमें इससे पढ़ने में बहुत सहायता मिली, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें टैग दिया और सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाया कि बच्चे बिना कोचिंग के इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और सर मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय लाजपत नगर का एक विद्यार्थी हूँ। सर मैंने जेईई एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई की और उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक 569 प्राप्त की। सर उसका पूरा श्रेय सर मैं हमारी गवर्नमेंट और सर मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने सर मोटिवेट किया, हमेशा कहा कि हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है, सर बहुत ज्यादा मदद की सर मेरी हमेशा। जी मेरे फादर मतलब पेंटर हैं एंड मेरी मदर होम मेकर हैं और मेरे एक बड़े भैया हैं, मतलब मेरे से ज्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया है, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरा नंबर आता है बस सर। सब कुछ आप मुख्यमंत्री जी की वजह से ही हुआ है जो हुआ है। और ज्यादा कुछ सर मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत खुशी का मौका है परिवार में, अब बेटा डॉक्टर बनेगा। जी सर बहुत शानदार, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। आपके पापा को नहीं, हम सबको आपके ऊपर बहुत गर्व है। सर पापा बोल नहीं पा रहे लेकिन इनको गैस्ट्रो की बहुत प्रॉब्लम थी, एक टाइम ऐसा आता था कि दिन में 3-3 बार ये दर्द हो रहा है और वो स्टमक पेन था। कुछ लोगों ने बताया कि वो किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ये हो सकता है। हमने सबसे पहले प्राइवेट ट्राई किया और वहां पे कुछ फेक रिपोर्ट्स आई हमारी और काफी आपको पता ही है सर लोन वगैरह बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन फिर पापा आदमी मान रहे थे और दिन में पूरे दिन मतलब 1-1.5 घंटे आपके स्टमक में पेन हो तो आप समझ सकते हैं सर कि मतलब चलना मुश्किल, लेटना मुश्किल, बैठना मुश्किल। पापा भी ऑटो भी चला रहे हैं, वो भी उनका नहीं है सर, अभी वो किराए पे चला रहे हैं। कोरोना में भी हमारी हालत बहुत खराब रही, खाने के पैसे खत्म हो गए थे, एक महीने का कुछ बचा था राशन की हाँ हम निपटा सके, लेकिन पापा ने कभी मेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं छोड़ा सर। मेरे रिलेटिव से बोलते हैं मैं थोड़ा है ना सर कि मतलब बड़े भाई ने छोड़ दिया, मैं छोटा बेटा हूँ, मेरा बड़ा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं, लगता है कि लाइफ में मुझे करना है कुछ, मैं डॉक्टर बनके लिए। अब आप डॉक्टर बनके बहुत इमोशनल मोमेंट है, हम समझ सकते हैं। मैंने अपनी कैटेगरी में 597 रैंक हासिल की है नीट के एग्जाम में। फैमिली का, टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा, कुछ बोलना चाहेंगे आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के सामने? सर फैमिली और टीचर
टीचर्स ने हमेशा ही सपोर्ट किया। टीचर्स हमेशा कहते थे कि तुम कर सकती हो, और फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा, वो हमेशा कहते थे कि तुम करोगी, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया प्रिया, आज डॉक्टर बनने जा रही हैं, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। और मैंने इस साल जेई क्वालिफाई किया और मेरी कैटेगरी रैंक 881 है। आपके फादर क्या कर रहे हैं? आपके फादर यहाँ? नो सर, मम्मी आई है। मम्मी आई है, बहुत बहुत बधाई। आपका बेटा अब इंजीनियर बनेगा, शानदार काम करेगा। आपके आप कुछ कहना चाहती हैं? सर आपके पापा कितना पढ़े हुए हैं? सर पापा तो नहीं है, वो स्लीपर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एजुकेटेड नहीं है, लेबर है सर, और डेली वेजेस वर्कर है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन टीचर्स ने काफी अच्छा सपोर्ट किया। हमारी प्रिंसिपल मैम पर्सनल काउंसलिंग करती है बच्चों की, ऑनलाइन में भी उन्होंने हमेशा अपने मतलब पर्सनल काउंसलिंग चाहिए होती है बच्चों को, तो वो हमेशा दो लाइनें जरूर बोलती थी कि एक बार तीन बार ये बात बोल के जगाओ, यू कैन यू विल, यू कैन यू विल, यू कैन यू विल। दूसरी बार ये वो ये भी बोलती थी कि कई बार बच्चों का इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो पाता, तो भगवान हमेशा साथ है, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा साथ है, कहीं ना कहीं मेहनत आगे रंग लाती ही है। एंड आई सिक्योर्ड 7092 जनरल रैंक इन जे एडवांस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 897। सर मेरी इस जनरी में अगर मैं कहूँ तो मेरे दादाजी का और मेरे टीचर्स का काफी बड़ा रोल रहा सर, और मेरे पेरेंट्स ने भी। लॉकडाउन में भी फाइनेंशियली कंडीशन काफी वीक होती चली गई थी हमारी, पर मेरे पेरेंट्स और मेरे दादाजी ने कभी ये चीज फील नहीं होने दी, और उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करा मेरे को। अपन पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मेरे जो फादर हैं वो डेली वेजिस पे काम करते हैं, और मेरी मदर जो है वो घर पे सिलाई का काम करती है। और सर जब मेरा जेई मेंस होने वाला था उससे पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, तो जिस वजह से मैं इमोशनली और मेंटली काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लग गया था। सर अगर उस समय पे मेरे टीचर्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद ये एग्जामिनेशन देने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सर उस समय पे मैं बिल्कुल हिम्मत आ गया था। पर ये है मेरे दादाजी जब उनके प्राण निकले उससे एक घंटा पहले उन्होंने जब मेरे से बात करी थी उन्होंने मेरे को यही बोला, बेटा तेरे को पढ़ना है और तेरे को मेरा नाम रोशन करना है, हमारे घर में इतना पढ़ना कि हमारे घर में कोई ये ना कह सके कि मेरा पोता अनपढ़ रह गया। सर उन्होंने काफी सपोर्ट करा मेरे को और आज उनकी बहुत याद आ रही है मेरे को। यहाँ पर मैं आरटीई सेक्टर 10 द्वारका का स्टूडेंट हूँ, और सर मेरे पापा एक ट्यूटर है और मेरी मम्मी होम मेकर है। सर जितना भी मैं अपने पेरेंट्स अपने टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम जो कि इतना अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी ने डेवलप किया है उसे थैंक यू कहूँ वो कम है, क्योंकि कोविड टाइम में भले ही हमारे पास फैसिलिटीज कम थी मुख्यमंत्री जी ने टैग दिए, हमारे पेरेंट्स जिन्होंने डबल टाइम अपना काम किया ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और जो टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया हर बार उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस उनसे यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और बहुत इमोशनल दिन है। अभी एक एक बच्चे की जब हम कहानी सुन रहे थे तो मैं समझता हूँ कि सबकी आंखों में पानी आ रहा था, ये करिश्मा भी हो सकता है। एक एक बच्चे की कहानी किसी करिश्मा से कम नहीं थी। हमारे 648 बच्चों ने, सरकारी स्कूलों के बच्चों ने, बहुत गरीब परिवार से जो आते हैं, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसिस में जो रहते हैं, 648 बच्चों ने नीट की परीक्षा क्वालिफाई की है, उसमें 199 लड़के हैं और 449 लड़कियां हैं। एक बार सबके लिए
लड़कियां पूरी तरह से बाजी मार ले गई और जेई में 493 बच्चों ने क्वालिफाई किया, यहां पे लड़के बाजी मार ले गए। 404 लड़के, 89 लड़कियां। ऐसा लड़कियां ज्यादा डॉक्टर बनना चाहती हैं और लड़के ज्यादा इंजीनियर बनना चाहते हैं। 1141 बच्चों ने इस साल दिल्ली सरकार के स्कूलों से 1141 बच्चों ने जेई और नीट क्वालिफाई किया है। इन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं, इनके टीचर्स को शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमने एक एक बच्चे की कहानी भी सुनी और एक बच्चे मेरे ख्याल से हर्ष था उसका नाम, जिसका शायद 569 रैंक आया है, मेरा 563 रैंक आया था। '85 में मैंने IIT के पेपर, JEE के पेपर दिए थे, मेरा 563 रैंक था, इनका 569 रैंक आया है। मेरा एक सपना था, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं और आज जो कुछ, बैठो बच्चे बैठो, और आज जो कुछ भी हूं इस देश की वजह से हूं, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा एक सपना था कि जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है, मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली अपनी जिंदगी में, जो शिक्षा मुझे मेरे देश ने दी है वैसी ही शिक्षा, वैसी ही अच्छी शिक्षा मैं इस देश के हर बच्चे को मुहैया करा पाऊं, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो। और आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर कम से कम हम लोग हर गरीब के बच्चे को और हर अमीर के बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन सब बच्चों से भी मेरी विनती है, आप लोग डॉक्टर बनोगे, आप लोग इंजीनियर बनोगे, आप खूब फलो फूलो आगे बढ़ो। दो चीजें हैं, एक तो अपने परिवार को मत भूल जाना, अपने माँ बाप को मत भूल जाना। अभी कई बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, कैसे उनके माँ बाप ने, अपने टीचर्स को भी मत भूल जाना, कैसे उनके माँ बाप ने बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। तो जब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, माँ बाप का ख्याल रखना, टीचर्स का ख्याल रखना और सबसे इम्पोर्टेंट देश के लिए कुछ करना, ये जो इतनी अच्छी आपको शिक्षा मिली, इतनी अच्छी जो शिक्षा मिली, सारी शिक्षा आपको फ्री में मिली, कुछ भी फ्री में नहीं आता, इसमें देश का पैसा लगा, लोगों का पैसा लगा, गरीबों का पैसा लगा, इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब हम दूध पीते हैं उस पर टैक्स लगता है GST, जब हम दही खाते हैं उस पर टैक्स लगता है, जब हम किताब खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं बाजार से, उस पर टैक्स लगता है। तो इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, जैसे वो बाजार से कुछ खरीद के लाता है उस पर टैक्स देता है। उसके गरीब से गरीब लोगों के टैक्स के पैसे से आप लोगों को इतनी शानदार शिक्षा मिली है। तो देश को मत भूल जाना जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ये बहुत जरूरी है। जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं आज कसम खा के जाओ कि कम से कम आधे मरीज गरीबों के देखोगे और फ्री में देखोगे। जितने इंजीनियर बन रहे हैं आप भी अपने अपने स्तर के ऊपर देश के लिए जो बन सकेगा वो करोगे, 5-5, 10-10 लोगों को अच्छा पढ़ने में मदद करोगे। देश को मत भूल जाना। आप में से बहुत सारे बच्चों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। जब मैं IIT में था 1989 में, मैंने पास आउट किया, मेरे नंबर अच्छे आए थे,
हमारी क्लास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं था, हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे मेरे से नीचे वाले नंबर वाले भी बच्चे अब्रॉड चले गए, विदेश चले गए। विदेश जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर वापस जरूर आ जाना। रहना अपने देश के अंदर है, मरना अपने देश के अंदर है। ऐसे मत करना कि पढ़ाई यहां से करो और तरक्की अमेरिका की करो। पढ़ाई अपने देश में, पैदा अपने देश में हुए, वहां से पढ़ के आना, वहां से ज्ञान बटोर के आना, दूसरे देशों से ज्ञान बटोर के आना, लेकिन फिर आके तरक्की अपने देश की करना, अपने देश के अंदर आके अपने काम करना। आज दिल्ली ने एक तरह से एक राह दिखाई है पूरे देश को। सबसे ज्यादा तो मैं टीचर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, प्रिंसिपल्स का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जितने बच्चे अभी खड़े हुए अपनी अपनी बात करने के लिए, हर बच्चे ने एक ही बात बोली, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कभी सुनते थे सरकारी स्कूलों के अंदर, एक टाइम ऐसा था 2014 के पहले जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले सुना करते थे सरकारी टीचर तो ऐसे हैं, काम नहीं करते, सरकारी टीचर तो वैसे हैं, आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनते रहते हैं, ये सब सुनते थे ना। वही सरकारी टीचर है, वही सरकारी टीचर है, हमने कोई बदले थोड़ी है। 60,000 सरकारी टीचर है दिल्ली सरकार में, वही टीचर है। उनको माहौल अच्छा मिल गया और उन्होंने करिश्मा करके दिखा दिया, क्रांति करके दिखा दी, जिसकी चर्चा आज एक एक बच्चा टीचर्स की तारीफ कर रहा था, एक एक बच्चा कह रहा है। और मैं भी सरकारी स्कूलों में जब भी जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, सारे बच्चे एक ही बात बोलते हैं, हमारे टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया, हमारे टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया। सैल्यूट टू द टीचर्स। हमारे देश में एक तरह से दो पैरेलल शिक्षा प्रणाली चल रही है, एक गरीबों के लिए और एक पैसे वालों के लिए। गरीबों के लिए सरकारी स्कूल होते थे, होते हैं, और पैसे वालों के लिए प्राइवेट स्कूल। जो भी आदमी बेचारा थोड़े से पैसे कमा लेता है, वो चाहता है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूलों का पूरे देश में, अब दिल्ली में तो काफी सुधार हो गया, पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है। 18 करोड़ बच्चे अपने देश के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 10 लाख सरकारी स्कूल है देश के अंदर। और मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन बाकी देश के अंदर जो सरकारी स्कूल है, कई अच्छे भी हैं, सारे खराब नहीं है, लेकिन जो खराब है उनका कबाड़ खाने से ज्यादा अच्छा उनका स्टेटस नहीं है सरकारी स्कूलों का। उन्हें ठीक करना है, उन्हें ठीक करना है। गरीबों के 18 करोड़ बच्चों का भविष्य खराब है, 18 करोड़ बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। एक माहौल ये बनता जा रहा था देश के अंदर कि सरकार स्कूल चलाती है, गवर्नमेंट कैन नॉट रन द स्कूल, गवर्नमेंट कैन नॉट रन द हॉस्पिटल्स, सरकार स्कूल चला नहीं सकती, इसलिए इनको सबको प्राइवेट को दे दो। बीच में तो एक माहौल चला था कि सीएसआर में चैरिटेबल बेसिस से 4 स्कूल इस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल उस कंपनी को दे दो, 4 स्कूल इस कंपनी को। एजुकेशन इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी, एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ राइट। एक बच्चे का अधिकार है, जो इस देश के अंदर पैदा होता है उसका अधिकार है कि उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। किसी के रंगो कर्म के ऊपर, चैरिटी के ऊपर थोड़ी हमारे बच्चे पढ़ेंगे। और एक माहौल बना दिया गया देश के अंदर कि सरकार स्कूल नहीं चलाती तो स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए, ये 18 करोड़ बच्चे जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, इनके मां बाप के पास पैसे नहीं है। अगर सरकारी स्कूलों को हमने बंद कर दिया तो ये 18 करोड़ बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे, और अगर 18 करोड़ बच्चे हमारे अनपढ़ रह गए तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, देश दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा, भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बनेगा। एक ही चीज है जो भारत को नंबर वन बना सकती है, वो है शिक्षा। आज ये जितने बच्चों की कहानियां सुन रहे हैं, किसी के पिताजी 8,000 रुपए महीना कमाते हैं, किसी के पिताजी 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, किसी के पिताजी 15,000 रुपए महीना कमाते हैं। अब ये बच्चा IIT से पढ़ के आएगा,
उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख रुपए महीना होगी। डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3 लाख रुपए महीना होगी। तो उतने परिवार तो अमीर हो गए ना। हम अपने देश को अमीर कैसे बनाएंगे? हम अपने देश को अमीर कोई पैसे बांट के थोड़ी बनाएंगे। शिक्षा दे दो सबको, हर बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दो, वो अपने परिवार को अमीर बना लेगा। अगर हम अपने हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे देंगे, एक जनरेशन के अंदर, एक पीढ़ी के अंदर हम अपने देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। ये मेरा दिल कहता है और ये हमने करके दिखा दिया। तो मेरा अपना मानना है, पहले ये कहते थे सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते। आप सबने, मेरा और मनीष जी का तो इतने कंट्रीब्यूशन है, हम आपके बीच में आके भाषण वाषण दे जाते हैं, लेकिन सारा काम किया पेरेंट्स ने, सारा काम किया टीचर्स ने, सारा काम किया प्रिंसिपल्स ने, सारा काम किया बच्चों ने। आपने एक क्रांति का लाया दिल्ली के अंदर, जिसने पूरे देश को दिशा दिखाई है कि सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं। अभी भी मैं कई रोज खबरें पढ़ता रहता हूँ, इसको इस राज्य के अंदर इतने स्कूल बंद हो गए, इस राज्य के अंदर इतने, कहते पैसा नहीं है सरकार के पास। मैं मानता हूं पैसा लिमिटेड है, लेकिन हमारे ऊपर है कि हम उस पैसे को कहां खर्च करें। मान लो एक गरीब आदमी है, उसकी तनख्वाह 20,000 रुपए 25,000 रुपए महीना है। एक आदमी अपनी जिसकी 20-25,000 रुपए महीना तनख्वाह है, वो एक टाइम वो सबसे ज्यादा तवज्जो किस चीज को देता है? मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, बड़े आदमी बने, ये देता ना। हर आदमी सबसे पहली तवज्जो अपने परिवार में शिक्षा को देता है। टीवी बाद में आ जाएगा, फ्रिज बाद में आ जाएगा, घूमने बाद में चले जाएंगे, सिनेमा बाद में चले जाएंगे, अच्छे कपड़े बाद में, पहले बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो अगर एक परिवार के अंदर हम सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को देते हैं, तो देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे भी तो दे सकते हैं। बजट तो लिमिटेड है, दिल्ली सरकार का भी बजट हमारा लिमिटेड था जब हमने सरकार संभाली, लेकिन हमारे ये भाई यार कुछ भी कर लो, थोड़ी सी 2 सड़कें कम बना लेंगे, 2 पुल बाद में बना देंगे, बच्चों को पहले अच्छी शिक्षा देंगे। हमने बच्चों को अच्छी शिक्षा के ऊपर जितने पैसे की जरूरत है उतना पैसा लगाया, तो कर तो सकते हैं। प्रायोरिटीज की बात है कि क्या शिक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मेरा दिल कहता है दिल्ली के अंदर हमने करके दिखा दिया, पूरे देश में हो सकता है। 18 करोड़ बच्चों को बहुत शानदार शिक्षा मिल सकती है, पॉसिबल है, संभव है। हमने करके दिखाया पूरे देश के अंदर हो सकता है। और अगर हमने अपने 18 करोड़ बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, मैं बता रहा हूं हमारा देश अमीर देश बन जाएगा और हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। आप सब बच्चों, बच्चे जो है, बहुत बहुत आपकी एक एक की कहानी बहुत बहुत प्रेरणादायी है। मैं शिक्षा विभाग से निवेदन करूंगा कि सब बच्चों की कहानियां निकाल के सोशल मीडिया पर डाली जाए, ताकि एक एक बच्चा 100-100 बच्चों को इंस्पायर कर सके, ताकि और दूसरे बच्चे भी इनकी कहानियां सुन के, इनके पेरेंट्स की कहानियां सुन के प्रेरित हो कि इन्होंने किया, हम भी कर सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।